आज हम बना रहे हैं मेथी आलू जी। मेथी आलू असल में मैं सब्जियों पे बहुत फोकस करती हूँ। सब्जियों को जायकेदार बनाना है किसी भी औरत का एक बहुत कमाल होता है, क्योंकि लोग गोश्त तो बहुत शौक से खा लेते हैं लेकिन सब्जियाँ खाने में ज़रा कतराते हैं। तो उसको आप किस तरीके से आप मज़ीद मज़ेदार जायकेदार बना सकते हैं उसके लिए मैं लगी रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आपको अच्छी सी रेसिपी बताऊँ। हाफ कप के बराबर मैंने लिया है इसमें तेल, क्योंकि तेल ज़रा ज़्यादा डालें अगर मेथी में तो वो अच्छी बनती है। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 दरमियानी प्याज, ठीक है, बारीक कटी हुई, और इसको करूँगी मैं ब्राउन। जैसे ये ब्राउन होती है मैं आपको आपका अगला स्टेप बताती हूँ। ये देखें प्याज कुछ हद तक ब्राउन हो चुका है, हल्की सुर्खी इस पर रहती है। अच्छा, इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। चिटचिट की आवाज़ जो है ना, आवाज़ जो है इसकी स्मेल बहुत खूबसूरत होगी। अच्छा, इसके जलने से पहले पहले हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर, ठीक है, क्यूब से कटेंगे, क्योंकि ये जलना जल्दी शुरू हो जाता है। ठीक है, ये डालेंगे और इसको हम पकाएंगे। आँच हल्की नहीं रखनी, मीडियम रखनी है इसकी, ठीक है। अच्छा, देखें हल्का सा छीटा पानी कर दें और उसके बाद को थोड़ा सा पकने दें, ठीक है। अच्छा, इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक, ठीक है। आप उसका जो है नमक की क्वांटिटी अपने टेस्ट के मुताबिक रखेंगे। आप हल्का खाते कम रखें, ज़्यादा खाते हैं तो मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, 1.5 किलो के करीब मेरा मेथी जो सूखे में तो थोड़ा रह जाता है, इसलिए मैं उसकी जो है ना 1.5 किलो रखती हूँ ताकि वो सूख के तो 1 किलो के बराबर रह जाए, डंडियाँ भी निकल जाती हैं नोल्डा, ठीक है। आपने उसी हिसाब से पकाना है। अभी हल्का हल्का जो इसका टमाटर है वो गलना शुरू हो गया, इसमें मैं डाल रही हूँ बाकी मसाले। मैंने डाला है 1 टेबल स्पून सूख में, 1 टेबल स्पून भर के धनिया, ठीक है, और हल्की सी ज़्यादा नहीं, हल्की सी मतलब 1/4 टीस्पून आप कह सकते हैं हल्दी डाल दी है। और इसमें मैंने डाली है 6 से 8 हरी मिर्चें। थोड़ी सी मिर्चें अगर तेज़ होंगी तो उसकी कड़वाहट अपनी जो एक हल्की सी होती है मेथी की वो खत्म हो जाएगी, इसलिए प्रॉपर मसाला बनाया इसमें। और अब मैं इसको ढक के 2-3 मिनट पकने दूँगी ताकि टमाटर भी गल जाए और मेरा मसाले में जो तेल है वो भी रस बस जाए। ये देखें मसाला काफ़ी हद तक बन गया है। अच्छा, टमाटर पूरी तरह नहीं गला है क्योंकि अभी मुझे गलेगा गलेगा मेथी के साथ, मेथी थोड़ा सा टाइम लेती है पकने में, अपना पानी जो के साथ टमाटर भी गल जाएगा। अभी मैंने 2 बड़े आलू लिए हुए हैं कटे हुए क्यूब्स में, वो मैं डाल रही हूँ, ठीक है, ताकि वो भी साथ साथ गले और हमारा खाना जल्दी तैयार हो जाए। ज़रूरी नहीं होता कि वो 8-8, 10-10 घंटे लगा रहे उसके बाद वो तैयार। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, जैसे निहारी पाए वगैरह, उसमें उनको टाइम देना चाहिए, कुकर में नहीं पकाना चाहिए। मैं प्रेफर करती हूँ कि उसको 6 से 8 घंटे हल्की आँच पकने दें, उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त डेवलप होता है। लेकिन सब्जियों में नहीं, सब्जियों का जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उनको जल्दी पकाएँ क्विक उसको कुक कर। आलू डालने के बाद मैं उसको 2 मिनट और ढक के पकाऊँगी और फिर मेथी डालूँगी। ये देखें जी, 2 मिनट पकने के बाद आलू का कलर हो गया है चेंज, मसाले लगने की वजह से भी चेंज हो गया। अब इसमें मैं धुली भी अच्छी तरीके से, जो है स्टेनर में 1.5 किलो के करीब हमारी मेथी रखी हुई है वो डाल रही हूँ, ठीक है। और मेथी अपना बहुत अच्छा भला पानी छोड़ेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। इसको पहले तो ढक के अच्छी तरह पकने दें, जब आपको लगे कि हाँ पानी सारा खुश्क हो गया और अभी भी लगता है मेथी में हल्की सी कच्चापन है, तब पानी ऐड करें, अदरवाइज ना करें बेशक। इसको छोड़ दें, पकने दें हल्की आँच पर, इसको 15 से 20 मिनट पकने दें और आपकी मेथी तैयार है। अच्छा, अभी इतनी ज़्यादा लग रही है भरी हुई, अभी पकेगी ना बिल्कुल थोड़ी सी रह जाएगी, आलू नज़र आना शुरू हो जाएंगे, अभी आलू नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अच्छी तरह से पक जाएगी, ढक के मैं इसको पकाने लगूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि एंड पे इसका कलर कैसे डेवलप होगा। तेल और मिर्चें ज़रा सही से डालिएगा वरना इसका पीका पीका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको पकने दें, थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेगा, फिर मसाला अच्छी तरीके से मिक्स होगा। अभी मैं इसको ढक के पकने के लिए छोड़ रही हूँ। ये देखिए
ये मैंने इसको इसी में पानी इसी के पानी में पकने दिया था, और ये जो है इसका रंग बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है। और ये देखें, और इसका कलर चेंज हो गया है, आलू गल गए। इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया, ठीक है। धनिया की एक अपनी फ्रेगरेंस, एक खुशबू होती है जो खाने को और ज़्यादा लजीज बना देती है। इसको तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भुने, ठीक है। गल आलू बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गए, मैं चम्मच मार रही हूँ तो टूट रहे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैंने इसलिए किया कि अगर लेफ्ट ओवर कोई पानी होगा तो वो नीचे आके सूख जाए। इसका पानी खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा ये पानी खुश्क होगा उतने ही अच्छे तरीके से ये गला हुआ होगा, और इसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो चुकी होगी, तेज़ स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो चुकी होगी, जायकेदार बनेगा, ठीक है। आपने इसको तेज़ आँच से अच्छी तरीके से मज़ीद कुक करना है। और ये आपका मेथी आलू हो गया है रेडी। ट्राई ज़रूर करें, फीडबैक ज़रूर दें, और दुआ में याद रखिएगा। अपने रिश्तेदारों से सबको कहें कि चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।